हाँ भाई, तो अभी सीन ऐसा है कि मतलब मैं राखी के दिन भी एक व्लॉग शूट कर रहा था, लेकिन किसी कारणवश मैं कर नहीं पाया। सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। सो उस दिन का जो वीडियो मैंने शूट किया था, उस वीडियो को आप लोग इसी व्लॉग पे देख लो। तो जाइए पहले उस वीडियो को देख के आइए, फिर शुरू करते हैं इस व्लॉग को। और भाई, एक बहुत ही प्यारा कार्ड बना के दिया गया है नम्या दी के द्वारा मेरे को। थैंक यू सो मच दी। ये कार्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप ऐसे टाइम पे भी इतना अच्छा कार्ड बनाए और मेरे को छोड़े। तो थैंक यू सो मच दी। ये कार्ड को मैं हमेशा अपने पास रखूँगा। और सारी बहनों मेरे को कुछ गिफ्ट विफ्ट दो भाई, राखी है। तो व्हाट इज अप गाइस, अभी मैं कर चुका हूँ अपने दो चीज़ की अनबॉक्सिंग, जिसको मैं मंगाया था। पहला था परफ्यूम जो कि टाइटन स्किन का था, और दूसरा था वाओ का फेस वॉश जो कि मेरे हाथ पे है। इसका मैं काफ़ी अच्छा रिव्यू सुना हूँ। परफ्यूम तो जान ही रहे हो आप, कबाई है ही प्रेमी परफ्यूम का। तो अनबॉक्सिंग हो चुका है। सॉरी, एक पिछले वीडियो में मैं किया था, मतलब मैं एक और शॉट लिया था जो कि ख़राब हो गया था, उसके कारण मैं शो नहीं कर सकता। बट अनबॉक्सिंग हो चुका है। और बाकी आज है 3rd of August 2020। तो आज है राखी, आप सबको पता होगा। हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम माई साइड एंड माई फैमिली टू। आप सब हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। और भाई, मेंटल स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भाई जिंदा है, मैं हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब चिल है, मस्त मज़े करो। जो दिन की ज़िंदगी है, हमेशा इंजॉय करो। तो अभी अनबॉक्सिंग को अपन ख़त्म करते हैं। आज राखी है, तो और भी बहनों के पास चलते हैं, उनसे राखी बंधवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। या सो व्हाट इज अप गाइस, आई एम डन विद माय साइकिलिंग विद कुशाग्र बंधवार। एंड थैंक यू कुशाग्र फॉर टेकिंग सम ऑफ माय सिनेमैटिक शॉट्स एंड फॉर दिस साइकिल टू। दिस इज माय साइकिल, नॉट माय साइकिल बट कुशाग्र ब्रदर साइकिल। सो राइट नाउ इट्स 8:16 एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स होम। एंड टूडे अराउंड 10 किलोमीटर्स इन सिटी। सो लेट्स गो, अभी बहुत थक गया हूँ, घर जाके रेस्ट करते हैं। सो व्हाट इज अप गाइस, आई एम इन होम राइट नाउ एंड अभी मैंने शावर ले ली है। अभी जस्ट अभी बज रहे कुछ 10 के आसपास। एंड टुडे भी लाइक हम लोगों ने साइकिल चलाया 10 to 15 किलोमीटर्स। मेरा टोटल एम टारगेट रहता है रोज का 30 किलोमीटर्स पर डे मिला के। सो अभी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख तो लग रही है, लेकिन आई एम इन अ डाइट, नॉट इन अ प्रॉपर डाइट बट काइंड ऑफ अ डाइट। सो अभी मैं कुछ खा नहीं सकता, सो कर नहीं सकते भाई उसका। और अभी थोड़ी देर में हम लोग को जाना है साइकिल के, साइकिल को बनने देने के लिए।
वहाँ जाएंगे, साइकिल को बनने देंगे, वापस आएंगे, एंड देन आई वांट टू टॉक टू यू गाइस थ्रू दिस व्लॉग और शेयर समथिंग टू यू विद दिस व्लॉग. सो अभी चलते हैं थोड़ी देर साइकिल बनने देने के लिए. लेट्स गो. सो राइट नाउ इट्स टाइम फॉर लंच एंड आज बनाया है स्पेशल दाल बाटी, राजमा एंड राइस. सो खाते हैं, फिर मिलते हैं. दिस इज स्पेशली मेड बाय मॉम. थैंक यू सो मच मॉम इतना डिलीशियस खाना खाने बनाने के लिए. थाली रखने आया, मैं सोचा था व्लॉग करूंगा लेकिन पहले मैं खा डाला, उसके बाद फिर मेरे को याद आया व्लॉग भी करना है, इतना डिलीशियस खाना है भाई. एंड जल्दी से खाते हैं, टेस्टी खाना बहुत, मतलब समझ रहे हो ना, टेस्टी खाना है तो खाने का. तो खाने के बाद मिलते हैं अपन आपसे. हाँ तो देखो भैया, अभी सीन ऐसा है, मैं आ गया हूँ घर वापस काम निपटा के एकदम बढ़िया से, लेकिन अभी अपने भाई को लग रहा है, आपके भाई को लग रहा है फुल जोर से भूख, पर घर पर कोई है नहीं. तो ऑब्वियसली सेल्फ मेड करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, सेल्फ सर्विस करना पड़ेगा. तो अभी करना पड़ेगा कुल मिला के मेरे को मेहनत, जो कि करना ही पड़ेगा क्योंकि भूख तो बहुत तेज़ी लग रही है. तो भाई अभी चलते हैं खाना वाना बना के, मतलब जो भी नाश्ता वाश्ता बना के खाते हैं पीते हैं, फिर आप लोग से आराम से मिलते हैं. और उस बीच का मेरा खाना बनाते हुए आप लोग वीडियो भी देख लो. इसको रखते हैं पहले यहाँ, ठीक है, अब चलते हैं. Yeah, so what is up guys? I hope you guys are doing absolutely fine. Or what I want to share with you guys through this vlog is like ki I know many of you guys might be suffering from depression or anxiety attack or many things like that in this pandemic, or like financial issues or many things. But don't worry, don't be sad, don't be hopeless. Please give your 100%, stay positive and work hard on yourself. I also want to share one of my experience or one of my case recently happened to me in the month of April, May and June. At that month, April was the starting of lockdown, but last May and June starting was very depressing for me because two, three of my paid internship from the big cities like Delhi, Bombay and Pune had emailed me ki they're not responsible for my internship, and they don't know I'm in internship with them or not, and they're due to this pandemic we are unable to take you as our intern, so we are very sorry. So at that very time I was very depressed, and I was like ki ek hafte tak main kisi se ghar mein baat bhi nahi kiya tha, kuch bhi nahi kiya tha, but उस हफ्ते मैं अपने में ही रहता था एंड ये सोचते रहता था अब क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है, कोई गाइडेंस नहीं थी भाई. एट दैट वेरी पॉइंट आई वाज टोटली ब्लैंक. उसके बाद मैंने कुछ बुक्स पढ़ने स्टार्ट किए जो कि थे श्रीमद् भागवत गीता. दिस वन इज़ वेरी आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू रीड दिस बुक. ये बुक भाई पूरी लाइफ का पर्सपेक्टिव देखने का तरीका चेंज कर देता है. And I would also like to suggest you guys a few book this How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie.
एंड मैन सर्चिंग फॉर मीनिंग बाय विक्टरी फ्रैंकल एंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी. सो लाइक दिस बुक्स आर टोटली भाई लेजिड है, एकदम लेजिड है. पूरी प्रस्पेक्टिव चेंज कर दी एंड आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ, ऑन माई फिजिक, वर्किंग ऑन माई वीडियो एडिट्स, वर्किंग मोर ऑन माई फोटोग्राफी एंड मैनी थिंग्स लाइक दैट. सो डोंट बी सेट भाई, बुरा टाइम है, गुजर जाएगा. जस्ट चिल, एंजॉय योर लाइफ. दो दिन की जिंदगी है, हमेशा अच्छे से जियो. एंड ऑल्सो आई एम द वॉलेंटियर ऑफ धिति फाउंडेशन. सो वी हैव टेकन अ स्मॉल इनिशिएटिव कि हम 15 अगस्त इज अ इंडिपेंडेंस डे. सो हम उस दिन सिर्फ 15 रुपीज़ में किसी एक जन को हम फीड करेंगे. तो अगर आप डोनेट करना चाहते हैं देन मैं यहाँ कहीं पे एक वो उसका उसके बारे में बता दूँगा, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूँगा. सो अगर गाइस आपके छोटे से भी डोनेशन से किसी का पेट भरता है देन लाइक क्यों नहीं भाई. और अगर आपका दिल करता है कि डोनेट करना चाहिए देन वाई नॉट, प्लीज़ डोनेट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. थैंक यू, मिलते हैं आप सबसे बहुत जल्द. पीस.